ओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हेमंत की सर्विस का कोई जवाब नहीं है। टू नील, टू नील। ये लगातार हेमंत के सर्विस के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। पॉइंट जाता हुआ प्रिंस फूड को, 1-2, दूस दूस 1-2, 1-2 सर्विस करेंगे अमोल। इस क्या बात है। अच्छा सर्विस वहां पे पॉइंट कमाते हुए सर्विस पे, दो टू ऑल। टू ऑल, पलटवार चालू हो चुका है यहां पे प्रिंस फूड का। टू ऑल, जबरदस्त जबरदस्त एफर्ट रहा है वहां पर, और देखना है। यस, 3-2 प्रिंस फूड, 3 FTL 2। अच्छा कमबैक दिखता हुआ, 3-2 सर्विस मायने रखेगी। जब तक सर्विस है आपके हाथ में सर्विस है। श्रीराम सर, वैसे भी प्रिंस के लिए डू और डाई की स्थिति। बहुत जबरदस्त आप खेल खेला जा रहा है, प्रिंस फूड की तरफ से कमाल का खेल हो रहा है। राजा ने पलटवार बाहर मारा है ये, और ये पॉइंट गया प्रिंस को। शायद यहां पे अमोल को चोट लगी है, गेम कंटिन्यू था लेकिन वहां पे उनके आंखों को वो चोट लगी है। हाँ, गेंद बॉडी से रिफ्लेक्ट होके गई थी। उनकी जगह पे दूसरे खिलाड़ी शायद कोर्ट में आए। यहां पे FPL 2 और प्रिंस फूड 4। चार सब्स्टिट्यूट किया गया है, मोरेका का अंदर आ गया है। फिर से एक बार प्रिंस फूड को ये पॉइंट जाता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 5-2, 5-2। पलटवार चालू हो चुका है प्रिंस फूड का। अच्छा अटैक किया है, और कहां जाता है, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। देखिए राजा को बराबर काउंटर कर रहे हैं। फिर से एक बार पॉइंट जाता हुआ प्रिंस फूड को, 6-2, 6-2। मैंने बोला था कि उनके पास क्षमता है कि वो कमबैक कर सकते हैं। एग्जैक्टली। बहुत ही अच्छा सर्विस वहां पे, 7-2, 7-2। प्रथमेश लय में आ चुके हैं, जो अपने सर्विस के लिए और स्मैशेस के लिए जाने जाते हैं, लय में दिख रहे हैं। इस मरतबा सर्विस चेंज। सर्विस चेंज होती हुई पॉइंट जाता हुआ एफटीएल के खाते में, 3-7, 3-7, 3-7। 3-7, मंजिल बहुत दूर अब नजर आ रही है थोड़ा। क्या बात है, जबरदस्त उसको ये देखिए। बाहर, ये गैप का फायदा उठाना चाह रहे थे, लालच बुरी बला है। उन्होंने मोरेका का को टारगेट किया था, लेकिन पॉइंट जाता हुआ प्रिंस फूड को, 8-3, 8-3। फिर से सब्स्टिट्यूट होते हुए अमूल अभी ठीक है, वापस आए। मोरिका का कि लक फैक्टर ने 8 पॉइंट तक पहुंचा दिया गया। अभी देखते हैं आगे कैसा होता है। जो बाकी खिलाड़ी है वहां पे थोड़ा सा बाजू हट जाइए। बहुत ही बढ़िया सर्विस वहां पे, बहुत ही बढ़िया सर्विस। लग रहा है कि काफी दबाव में आ चुके एफटीएल की टीम। यस, 9-3, 9-3। वहां पे योगी भाई और ये पर्पल जर्सी वाले वहां पे ना खड़े रहिए। अरे आप योगी थोड़े हो, योगी भाई को बोला।
ये फिर से पॉइंट प्रिंस फूड को, अच्छा स्मैश था वहां पे, दस तीन, दस तीन लग रहा है कि तीसरा 15 पॉइंट का मुकाबला होके रहेगा। जो जरूरी नहीं था वो किया गया, जो जरूरी नहीं था वो किया गया, स्ट्रेट विशाल वो ले सकते थे स्मैश। 4-10 ओ राजा राव बहुत कम फेल होते सर्विस में, प्रेशर में लग रहे हैं। बढ़ता हुआ 11-4 ओ यहां से भी सेम गलती, सर्विस फिर से चेंज, 5-11 एफटीएल का पलटवार शुरू हो चुका है, बैक टू बैक दो पॉइंट्स आ चुके हैं उनको। फिर से एक बार पीछे प्लेयर था और पॉइंट जाता हुआ एफटीएल को 6-11। क्या ये हमें कमबैक दिख रहा है? 6-11 एफटीएल कमबैक करती भी, 6-11 कोशिश हो रही है। ये देखिए अच्छा सेव करते हुए वहां पे, अच्छा पास दिया है फिर से राजा के पास, और ये देखिए सिर्फ ड्रॉप किया 7-11 एफटीएल का पलटवार शुरू हो चुका है, बैक टू बैक 4 पॉइंट्स हासिल किए एफटीएल ने। हेमंत की सर्विस, ओ बढ़िया सेफ, राजा फिर से ड्रॉप किया है लेकिन नहीं, 8-11 बातों बातों में 8 पे पहुंच चुके हैं एफटीएल। टाइम आउट प्रिंस फूड ने लिया है, स्कोर लाइन है 8-11 प्रिंस फूड 11 और एफटीएल 8। एफटीएल एक समय पे 4 पे अटकी हुई थी लेकिन अभी उन्होंने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। जो भी टीम के प्लेयर जर्सी वाले हैं वो कोर्ट के आजू बाजू नहीं रहेंगे, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे कि एफटीएल की जर्सी येलो है, उसके कोई भी सपोर्टर या प्लेयर उस जर्सी वाले आजू बाजू नहीं रहेंगे। बाकी के जो खिलाड़ी है या प्रेक्षक है ये उनसे भी गुजारिश है कि वो कोर्ट के आजू बाजू ना रहे। आप देख सकते हैं हाँ नव्या नवीन शर्मा की साहबजादी को दिखाया जा रहा है, ये वीआईपी डाइस, ये देखिए नवीन शर्मा की शहजादी को दिखाया जा रहा है। नव्या शर्मा माता श्री और पिता श्री ओपनिंग सेरेमनी के बाद ठीक हमारे साथ है, धीरे धीरे ये जो बॉल कोर्ट के बाजू में कोई उठा के दे देगा तो अच्छी बात है। इधर रख दीजिए प्लीज, थैंक यू। सेम जर्सी वाले एक्स्ट्रा प्लेयर्स कोर्ट के आजू बाजू नहीं रहेंगे क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सिर्फ लाइन देखने वाले जो खिलाड़ी है वही वहां पे रहेंगे। अच्छा स्मैश वहां पे प्रथमेश के द्वारा, स्कोर बढ़ता हुआ 12-8 पॉइंट जाता हुआ एफटीएल को 9-12 एक अच्छा पॉइंट जाता हुआ प्रिंस फूड के खाते में, सर्विस बाहर चली गई 13-9 फिर से वही गलती हो रही है। पीछे जो डिफेंडर है वो ले सकता है आराम से, उसके बीच में कॉर्नर का लेना नहीं बनता है। 14-9
शायद नेट टच है, यस। स्कोर बढ़ता हुआ 15-9, 15-9। बहुत ही बढ़िया स्मैश वहां पे एफटीएल के खाते में, पॉइंट जाता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 10-15। सर्विस करेंगे हेमंत, अच्छा सर्विस, सेंटर ने अच्छा उठाया, अक्षय ने अच्छा, फिर से एक बार, बहुत ही अच्छा रैली, राजा राव स्मैश का इशारा और ड्रॉप कर दिया। अच्छा रैली, अच्छा ड्रॉप का कोशिश हेमंत, पॉइंट जाता हुआ डबल टच की वजह से पॉइंट जाता हुआ प्रिंस फूड के खाते में, स्कोर बढ़ता हुआ 16-11, 16-11। पॉइंट जाता हुआ एफटीएल के खाते में 12-16। एक अच्छा स्मैश फिर से गेम में लाते हुए कुलदीप, अच्छा ब्लॉक वहां पे, बहुत ही अच्छा रैली चल रहा है जहां पे लग रहा था कि किसी को भी पॉइंट मिल सकता है, देखते हैं जो नो हेल्ड अप। ओ ये रैली बहुत ही खतरनाक हुआ और जो जल्लोश हुआ है बहुत ही अच्छा तरीके से प्रिंस फूड के खाते में जाता हुआ, ये पॉइंट 17 हुआ पॉइंट है उनका, स्कोर है 17-13। पॉइंट जाता हुआ प्रिंस फूड के खाते में 18-13। एक अच्छा ड्रॉप किया था अक्षय ने, उतना ही अच्छा उसको कवर अप करने की कोशिश की गई, पॉइंट जाता हुआ एफटीएल के खाते में 14th पॉइंट था उनका, 14-18। अच्छा सर्विस, अच्छा ब्लॉक वहां पे अक्षय के द्वारा और पॉइंट नंबर 19 कमाते हुए 19-13। ओ अच्छा रिकवरी वहां पे, अच्छे रिफ्लेक्सेस वहां पे दिखाए हेमंत टू राजा राव, राजा राव का स्मैश बॉल, ए बहुत ही अच्छा स्मैश था, वो कवर करने की कोशिश की गई थी लेकिन असफल कोशिश, 15वां पॉइंट लिया है एफटीएल ने, 15-19। अब मैच धीरे धीरे बहुत ही क्लोज होता हुआ
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा फिर से बहुत ही जबरदस्त राजा का अटैक। एक और पॉइंट 1619, पहले उन्होंने स्मैश का इशारा करके ड्रॉप किया, उसके बाद में उन्होंने जो स्मैश मारा उसका कोई तोड़ नहीं। हेमंत बहुत ही बढ़िया सर्विस करते हुए वहां पे, उतनी अच्छी उन्होंने अच्छा ये अच्छा ड्रॉप पॉइंट जाता हुआ प्रिंस फूड के खाते में। बहुत देर के बाद उनके खाते में ये पॉइंट आया है। 20 हुआ पॉइंट है 2016 2016 क्या मुकाबला चल रहा है। प्रिंस भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। गजब का अच्छा पॉइंट 21-16। एक टाइम आउट लिया गया एफटीएल की तरफ से, मोमेंटम तोड़ने की कोशिश है प्रिंस फूड के खाते में, जो मोमेंटम बना हुआ है उसके तोड़ने की कोशिश है। लेकिन प्रिंस फूड को भले बात ही जान लेना चाहिए कि ये मोमेंटम टूटने नहीं देना है, रिलैक्स नहीं होना है। 21-16 ये स्कोर लाइन है। बने रहिए हमारे साथ लोधा पठाने वॉलीबॉल चैंपियनशिप में। आप तक लाएं नवीन शर्मा फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक। दुनिया हमेशा तेज के साथ चलती है, दुनिया हमेशा फास्ट के साथ चलती है। आपको अपनी डिलीवरी फास्ट कराना है, फास्ट चलना है, तो नवीन शर्मा के कदमों के साथ चलिए और जिंदगी की राहों में फास्ट बन जाइए। एग्जैक्टली हमको पास्ट में नहीं जीना है, हमको फास्ट जीना है, यही बात हम कहना चाह रहे हैं। पास्ट में आप जीते रहोगे तो कभी प्रेजेंट में नहीं जी पाओगे और फास्ट नहीं जी पाओगे। बहुत ही बढ़िया स्मैश, बहुत ये पॉइंट्स दिल पे ले लिए राजा राव ने। बहुत ही तेज तर्रार स्मैश, पॉइंट बढ़ता हुआ 17। देखिए राजा राव 17-21 राजा राव को पता है कि मैच बहुत नाजुक मोड़ पे। 17-21 पॉइंट जाता हुआ प्रिंस फूड के खाते में, अच्छा शॉट था। ये बच्चे ने कमाल कर दिया है। 22-17 22-17 थोड़ी दिल की धड़कनें अब तेज हो चुकी होंगी एफटीएल के सपोर्टर्स की, क्योंकि उनको सर्विस को भी अपने तरफ लाना है। कोशिश राजा राम की कामयाब। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक शॉट था प्रथमेश के द्वारा, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। पॉइंट जाता हुआ एफटीएल के खाते में, पॉइंट नंबर 18-22 19-22 एफटीएल राइट बैक नाउ। 19-22 क्या मुकाबला चल रहा है। बहुत ही बढ़िया वहां पे स्मैश ब्लॉक करने की अच्छी कोशिश थी, लेकिन उनके हाथों को लग के ही बॉल चली गई। पॉइंट नंबर 23 फॉर प्रिंस फूड। पिछले 5 मिनट से हम देख रहे हैं श्रीराम जी के शेर सवा शेर वाली लड़ाई चल रही। यस बहुत ही बढ़िया ब्लॉक वहां पे, उन्होंने जान लिया कि राजा राव क्या करना चाह रहे हैं। अक्षय ने उतना ही अच्छा दिमाग लड़ाया, खजूर खा के आए लग रहे हैं या बादाम। बिल्कुल अक्षय ने उस खिलाड़ी को डॉज दिया जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है। 24-19 एक पॉइंट दूर। क्या राजा राम की कोशिश, और देखना है। ओ ये आउटसाइड का इशारा है और यस गेम ये जीत लिया है प्रिंस फूड ने। आप 15-19 15 पॉइंट्स का देखना है कि रेफरी क्या कहते हैं। टॉस होगा किस लिए। ओके नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए दोनों कप्तानों से गुजारिश है। मेरे ख्याल से अगला मैच जो होने जा रहा है वो है एफटीएल सॉरी यूटीसी वर्सेस रॉयल सोडा। यूटीसी वर्सेस साई रॉयल सोडा। आइए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। साई दत्तात्रेय और शब्बीर। साई
रॉयल सोडा और यूटीसी की कैप्टन आपको फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है, थोड़ा जल्दी जुड़ जाइए। शब्बीर फ्रॉम यूटीसी और साई रॉयल सोडा दत्तात्रेय, कैप्टन टॉस के लिए जल्दी आ जाइए, मैच चालू है। दोनों कैप्टन प्लीज कम फॉरवर्ड। कैप्टन कैप्टन टॉस। श्रीराम जी ये बताइए कि टॉस हम किसके शुभातों से लेने जा रहे हैं। पहले दोनों कैप्टन को आना है प्लीज। यूटीसी के कैप्टन और साई रॉयल सोडा के कैप्टन, टॉस होने जा रहा है। थैंक यू कशिश ट्रांसपोर्ट के जितेंद्र सिंह मेरे साथ हैं और यूटीसी के रॉयल साई रॉयल सोडा। आइए देखते हैं। टेल टॉस को जीता है साई रॉयल सोडा ने। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप टॉस बॉक्स में आए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीआईपी मंच की शोभा को बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। तीसरा निर्णायक सेट प्रिंस फूड की सर्विस। सबसे पहले बताइए कि पहला मैच हो रहा है वो भी बहुत कट टू कट हो रहा है। आप मैच खेलने जा रहे हैं, ये जो चैंपियनशिप है लोधा अपर ठाणे वॉलीबॉल, पहली मर्तबा फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक नवीन शर्मा और उनके साथियों ने लाई है, उसमें आप आए कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जो वॉलीबॉल जैसा टूर्नामेंट अपने पास इतने अच्छे और सबसे बढ़िया तरीके से इन्होंने ये निर्णायक सेट का पहला पॉइंट जाता हुआ एफटीएल के खाते में। अभी तक ऐसा टूर्नामेंट कभी मैंने देखा नहीं आजू बाजू, या बहुत मैचेस खेले तो इतना सेटअप और वो अंपायरिंग बाकी सभी कोऑर्डिनेट वगैरह, इसके लिए हमारे टीम की तरफ से और हमारे प्लेयर जो यूटी के प्लेयर है उनकी तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैच बहुत जबरदस्त हो रहा है, सिर्फ एक सवाल आपसे, इस मैच मारने वाला कौन सा खिलाड़ी है? मैं हूँ। क्या बात है। दी न्यूज फ्रॉम दी फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक टॉस बॉक्स, साई रॉयल सोडा वन द टॉस एंड इलेक्टेड सर्विस फर्स्ट। इट्स ओवर टू यू श्रीराम। तीसरा पॉइंट एफटीएल के खाते में जाता हुआ और स्कोर लाइन है 3-0। जबरदस्त मैच, एक और पॉइंट, बढ़िया स्मैश वहां पे, पॉइंट 4-0। लग रहा है कि जख्मी शेर की तरह टूट पड़े राजा राव। 4-0 सर्विस नहीं छोड़ना, ये इशारा आ रहा है। 4-0 सर्विस इज इंपॉर्टेंट। 5-0 सर्विस वहां पे, 5-0 हेमंत लगातार जबरदस्त सर्विस कर रहे हैं, राजा स्मैश जबरदस्त कर रहे हैं। 5-0 एफटीएल, तरस रही है वहां पे सर्विस के लिए। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया, 6-0 एफटीएल 6 प्रिंस फूड 0। हेमंत सेवन नील, लग रहा है कि शून्य का चश्मा हट ही नहीं रहा है। 7-0 आपकी बार जाता हुआ प्रिंस फूड को, खाता खुल चुका है। देखना है कि क्या ये मौका बनेगा प्रिंस फूड के लिए। अच्छा पास दिया था वहां पे ड्रॉप करने की कोशिश, इस मरतबा देखना है, ये हल्के से खेला हुआ था और यहाँ पे हेमंत की कोशिश रहेगा। 2 पॉइंट आते हुए यहाँ पर प्रिंस फूड के खाते, 2-7
2-7। अगला मैच जो होने वाला है यूटीसी वर्सेस साई रॉयल सोडा, जिसमें साई रॉयल सोडा ने टॉस जीता है और साइड लिया है, साइड SIDE। ये देखिए गजब का ड्रॉप, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट जाता हुआ एफटीएल के खाते में। 8-2 8-2 8-2। ये 15 पॉइंट का मैच है। हाँ ऐसा बताया, 15 पॉइंट करेक्ट। ओके यस, इसका मतलब है कि टाइम आउट में अब सोचना होगा क्या करना है एग्जैक्टली प्रिंस फूट को। अगर प्रिंस फूट पकड़ के जल्दी कि मेरे को 13 पॉइंट लेना है। पॉइंट जाता हुआ प्रिंस के खाते में, प्रिंस फूड के खाते में, शायद नेट टच हुआ है। 3-8 3-8 स्कोर है। 3-8 3-8 3-8। बहुत ही बढ़िया, वहां पे तारीफ करने जैसा कर रिकवरी किया है। फिर से एक बार राजा राव को चांस दिया था स्मैश मारने का, अभी तो वो छोड़ेंगे नहीं। बहुत कम मौके ऐसे रहते हैं जहां पे राजा राव चूक जाते हैं। 9-3 9-3 9-3 9-3। पॉइंट जाता हुआ रेफरी 10-3 FTL 10 Prince Fruit 3 10-3। ये कोशिश अच्छी है यहां पर, फिर से एक और पॉइंट आता हुआ FTL के लिए, 11 FTL 3 Prince Fruit। अब धीरे धीरे इस मैच की जीत की तरफ अग्रसर होती हुई यूटीसी की टीम वहां पे अच्छी प्रैक्टिस करती हुई। ओ हो हो, बहुत ही बढ़िया, नजाकत ज्यादा और ताकत कम, दिमाग का इस्तेमाल किया है वहां पर, मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट। निखिल से गुजारिश करूंगा कि वो कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाइए, मेरा नेक्स्ट मैच है। निखिल 12, ओ जबरदस्त जबरदस्त उसको सेव किया है। ये देखिए क्या चलता हुआ मुकाबला, थोड़ा फास्ट गेम, 13 13 पे पहुंच चुकी है FTL, 13-3 खाप थोड़े बिखरने की तैयारी में प्रिंस फूट के। मेरे ख्याल से 14-3 पे पहुंचा स्कोर, लास्ट पॉइंट इस गेम पॉइंट और गेम पॉइंट की कोशिश में देखना है क्या वो होता है या नहीं। आखिरी पॉइंट के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ती है और इसके साथ ही ये मैच जीत लिया FTL ने। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच और मेरे साथ कमेंट्री में निखिल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम। थैंक यू सर। प्लेयर ऑफ द मैच निखिल, बन पड़ा हुआ गेम चेंजर भी है हर एक मैच के लिए, गेम चेंजर ऑफ द मैच। हेलो हेलो हेलो,
अच्छा हेलो 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 गेम चेंजर ऑफ द मैच. जी हाँ, गेम चेंजर ऑफ द मैच बिटवीन फर्स्ट मैच फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक्स वर्सेस प्रिंस फूड. जी हाँ, और गेम चेंजर ऑफ द मैच जाता हुआ राजा राव को, राजा राव को मिलता हुआ गेम चेंजर ऑफ द मैच. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक बार सीधा मंच के पास आना है. राजा राव, राजा राव कम फॉरवर्ड प्लीज, इज द गेम चेंजर ऑफ द मैच. गेम चेंजर, गेम चेंजर का अवार्ड्स उन्हें. जी हाँ, गुलाब शर्मा और राजेंद्र शर्मा जी की तरफ से उन्हें गेम चेंजर का अवार्ड सम्मानित करेंगे. राजा राम से रिक्वेस्ट है एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे पहले मैच के गेम चेंजर राजा राव.